देखिए अगर हम बात करें कि अगर डिस्कवर पे, देखिए डिस्कवर पे क्या होता है ना, हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। आप ये मान के चलो जितना अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं उसमें आप एक साल में पैसा बनाते हैं, सिर्फ एक साल में काम करके उस ब्लॉग से, उतना आप सिर्फ यहाँ पे 1-2 महीने में बना सकते हैं। कॉपी पेस्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉपी पेस्ट किया डाल दिया, तो कॉपी पेस्ट चलेगा क्या डिस्कवर में? क्योंकि डिस्कवर जो है ना ये कंटेंट का भूखा होता है, आप इसको जितना ज़्यादा कंटेंट यूनिक देंगे उतना ज़्यादा ये खाता रहेगा, आप देते रहिए ये खाता रहेगा। तो 2 महीने में जो टोटल ट्रैफिक मैंने लिया है ना डिस्कवर से, सिर्फ वो लगभग 11 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रैफिक मैं सिर्फ डिस्कवर से ले चुका हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक एक दिन में मेरा $500 बना हुआ, एक एक दिन में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए खास गेस्ट को लेके आया हूँ जिन्होंने पिछले 3-4 महीने के भीतर गूगल डिस्कवर के साथ काम करके काफी अच्छा रिजल्ट जनरेट किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्वागत करते हैं हम अपने आज के स्पेशल गेस्ट शैलेंद्र भाई का। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र भाई हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले सचिन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। और मेरा नाम शैलेंद्र मौर्य है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, और मुझे ब्लॉगिंग में अभी 2 साल हो चुका है और मुझे अभी 3 महीने हो चुके हैं जो कि मैं अभी मतलब फुल टाइम दे रहा हूँ ब्लॉगिंग को। भाई जो है पिछले लंबे टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं लेकिन रिसेंटली आपको सक्सेस हासिल हुआ है, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे ही कि कैसे आप काम कर रहे हैं, डिस्कवर की स्ट्रेटजी क्या है, उन सब के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे जो भी चीज़ें होंगे। लेकिन थोड़ा सा पीछे चल के पहले शुरुआत से शुरू करते हैं कि लाइक अगर आप थोड़ा सा अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताना चाहें कि जब आप इस फील्ड में नहीं आए थे तो आप कि पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, कैसे बीता है आपका वो, इससे मतलब इस फील्ड में आने से पहले वाला जो जीवन है वो किस तरह का था, मतलब कहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई करी है और कहाँ से सब कंप्लीट हुआ है? देखिए होता क्या है ना, सभी लोग जैसे मतलब एक विलेज से बिलोंग करते हैं ना, गांव से, तो वैसे मैं भी हूँ। और जैसे सभी लोग नॉर्मली वही पढ़ाई गांव में होती है, ग्रेजुएशन बीए करना होता है, तो मैंने भी बीए कंप्लीट किया था। और बीए कंप्लीट करने के बाद जो है मैं बाहर निकला जॉब के लिए, तो मैंने 2-3 साल जॉब भी किया बाहर, बट जॉब में कहते हैं ना कि वो सेटिस्फाई मिलता नहीं है, तो मेरा मन एक्चुअली लग नहीं रहा था जॉब में। जॉब तो मैं कर रहा था लेकिन जो मेरी जो इच्छा थी कुछ अलग ही करने की थी। तो फिर अच्छा वहाँ से मैंने क्या किया कि फिर मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया था बीच में, एलईडी बल्ब का, तो उसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट बिज़नेस स्टार्ट किया था तो लगभग 1 साल मैंने मेरा उसमें टाइम गया था। फिर जैसे ही लॉकडाउन लगा तो मैंने उस बिज़नेस को क्लोज कर दिया था, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा ना तो बिज़नेस जो ऑफलाइन थी, जितना भी ऑफलाइन बिज़नेस था वो एक तरह से बंद होने के कगार पे आ गया था। तो मुझे लगा कि यार अब मुझे ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऑनलाइन जाना चाहिए, तभी चीज़ें काम करेंगी। तो वहीं से मुझे ना आइडिया आया कि मुझे ऑनलाइन जाना चाहिए। तो फिर मुझे मैंने देखा कि यार ऑनलाइन में हम क्या कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे मुझे वीडियो दिखी कि यार आप ना वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हो जिससे कि आप लोगों की वेबसाइट वगैरह बना सकते हो, वहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो फिर मैंने क्या किया कि वेबसाइट डेवलपमेंट का मैंने कोर्स किया, लखनऊ गया और वहाँ पे 6 महीने कोर्स किया मैंने। 6 महीने कोर्स करने के बाद फिर मुझे एक मैंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया था, तो एक्चुअली वो 8 घंटे की जॉब, बट उसमें काम ज़्यादा करना नहीं होता था, उसमें हमें कुछ भी टाइम अपना कुछ भी करने के लिए टाइम थोड़ा बहुत मिल जाता था। तो वहाँ पे जो मेरी सैलरी थी बहुत ही कम थी, 5,000 में मैं काम करता था, बट काम ना के बराबर था, फिर भी मेरा खर्चा जो है वो चल जाता था। तो मैंने क्या किया कि फिर जॉब के साथ साथ में चीज़ें सीखता रहा, और हमारा जब 6 महीना कंप्लीट हो गया कोर्स को, तो फिर मैंने एक वीडियो मुझे दिखती है यूट्यूब पे कि भाई, फिर मैंने एक्चुअली सर्च किया ऑनलाइन मनी, तो मुझे एक वीडियो दिखती है कि भाई आप ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हो, यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बहुत सारे लोग बता रहे थे, बहुत है ना। सारे तरीके हैं ऑनलाइन के, हाँ बिल्कुल। बहुत सारे तरीके होते हैं ऑनलाइन कमाने के, बट होता है ना कि एक आपका मन किस चीज़ में लगता है, अगर आप जिस चीज़ में आपका मन लगता है ना तो वो चीज़ काम करने भी मज़ा आता है, बट तरीके तो बहुत थे, है ना। तो मेरे माइंड में आया कि यार अगर मैं इस फील्ड में हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट में, और तो क्यों ना इसी से रिलेटेड कोई काम किया जाए। तो मुझे दिखा कि यार वेबसाइट बना के एक्चुअली ब्लॉगिंग ऐसी चीज़ है जिसमें हम पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं, तो थोड़ा मैंने रिसर्च किया उसके बारे में, और
तो देखा कि लोग तरीके तरह मतलब तरह तरह से पैसे बना रहे हैं ब्लॉगिंग से। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने भी अपना एक वेबसाइट डोमेन वगैरह खरीद लिया और अपना स्टार्ट कर दिया कंटेंट वगैरह लिखना, जो है मुझे 2-3 महीने या 4 महीने हमें लगता है ऐसा हुआ था जब मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला था। और मुझे शुरू में काफ़ी चीज़ें पता भी नहीं थी, है ना सचिन भाई, शुरू में क्या होता है ना चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो मेरा ना हाँ लोगों को पता नहीं रहता है कि कैसे स्टार्ट करना है, हाँ। कहाँ से चीज़ें लेना है, क्या करना है, तो स्टार्टिंग में मुश्किल आता ही है। तो फिर वहाँ पे मैंने क्या किया ना, मैंने वही गलती की जो नॉर्मल लोग सभी लोग करते हैं, वही एडसेंस इनवैलिड क्लिक वाला सिस्टम। तो मैंने भी अपना दोस्तों का मोबाइल लिया और अपना क्लिक किया और डॉलर बनता रहा, और मैंने देखा कि यार एक दिन में मतलब अच्छा खासा डॉलर बन जा रहा था, क्लिक करवा के सभी से फ़ोन लिया और क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। मेरा भी $10 बन गया एक दिन में, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। और एक हफ्ते बाद मैसेज आता है कि भाई आपका इनवैलिड क्लिक की वजह से एडसेंस डिसेबल हो गया। मैंने इस पर ना एक वीडियो भी बनाया था ताकि सभी को पता चल सके कि यार मैं जो गलती कर रहा हूँ आप लोग ना करें वो गलती। तो काफ़ी रिस्पॉन्स आया था, बट मुझे ना इससे टाइम मिल नहीं पा रहा था, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया नहीं था, बस ऐसे ही मैं डाल देता था जो भी चीज़ें हमारे साथ होती थी, है ना। तो ये सब जो आप बता रहे हो कौन से साल की बातचीत है, मतलब कब, मैं समझूं 2019-20? ना ये सारी चीज़ें हैं जो आपका 2020 की चीज़ें हैं। लॉकडाउन के बाद सब कुछ हुआ था? हाँ, लॉकडाउन के बाद से सब कुछ हुआ था और 2020 में ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो 2021 में मैंने फिर अपना ये स्टार्ट किया था थोड़ा अच्छे से, मतलब जॉब होता है ना, क्या हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं यार जॉब करें कि अपना ये ब्लॉगिंग करें फुल टाइम दें या पार्ट टाइम दें। तो मैंने क्या किया कि जॉब भी करता रहा और साथ में ब्लॉगिंग भी करता रहा। तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि सीधे ब्लॉगिंग में आ जाना है? ना एक्चुअली देखिए होता क्या है कि हमारे पास भी हम खर्चे होने चाहिए भाई, हमें फैमिली भी देखनी है, अपने भी खर्चे देखने हैं। तो हम अगर डायरेक्ट इस पर जा रहे हैं तो भी हमारे पास बजट होना चाहिए उसके लिए कि हमारा जो खर्चा है वो पूरा होना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें थी नहीं, तो मुझे ये सब कुछ करना था, तो जॉब के साथ साथ में मैंने किया, सारी चीज़ें होती चली गई। तो जैसा आप बता रहे थे कि फर्स्ट पेमेंट आने में कितना टाइम लग गया था जब स्टार्ट करा था अपना ब्लॉग उस टाइम से? एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग क्या गलती करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम जो है ना कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो बहुत ही घातक होता है। तो मेरी गलती क्या थी कि अगर मैं किसी की वीडियो देखता था तो वो मैं ऊपर देख लेता था, मतलब अच्छे से देखता नहीं था कि एक्चुअली वो बंदा कह क्या रहा है ना। और अक्सर हम लोग यही करते हैं कि अगर कोई जानकारी दे रहा है ना तो बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, मतलब कितनी जल्दी वो उसकी जानकारी ले ले हम ना अपना स्टार्ट कर दे काम, है ना। तो कुल मिला के मुझे 6 महीने लग गए थे इसमें पेमेंट उठाने में $100। अच्छा, लेकिन उस 6 महीने में जो आपने $100 उठाया और उसके बाद से मैं 3 महीने पहले तक का जर्नी जानूंगा, क्योंकि आपका ये जो 3 महीना रहा है अभी का वो तो बहुत ही गोल्डन पीरियड रहा है, लेकिन उसके बीच का जो एक करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त था वो कैसा बीता, उसमें आप क्या कर रहे थे? अच्छा, मतलब जो 3 महीने के उस पार मैंने क्या किया? हाँ। अच्छा, उस टाइम मैंने क्या किया ना, जॉब कर रहा था मैं, जब मेरा ये डिस्कवर में वेबसाइट गई है तो मुझे इसके डिस्कवर के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी। अच्छा, बट धीरे धीरे काम करते करते मैं करता गया, तो एक दिन मुझे लगा कि यार मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि वो बंदा क्या कर रहा था कि मतलब वेबसाइट पे तो नहीं काम कर रहा था, मैंने उसका ये वीडियो देखा था कि वो यूट्यूब पे जो है ना ट्रेंडिंग टॉपिक डाल रहा था। अच्छा, अपने मतलब यूट्यूब पे, तो उसका जो यूट्यूब का जो वीडियो है ना बहुत अच्छा खासा वो पैसा बना रहा था यूट्यूब से। तो वहीं से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार क्यों ना मैं भी मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करूं, है ना। तो मैंने क्या किया कि ट्रेंडिंग टॉपिक कवर करना शुरू कर दिया, और ये मान के चलो कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो जिस दिन मैंने डाला था ना एक आर्टिकल ट्रेंडिंग टॉपिक पे, उस समय एक आर्टिकल आया था, मतलब एक था जो न्यूज़ थी, वो न्यूज़ मतलब बहुत वायरल हो रही थी उस समय, तो मैंने उसी पर एक आर्टिकल लिख दिया। और जैसे ही ये आर्टिकल लिखा, आप यकीन नहीं मानोगे, उसी दिन एक ही मतलब आर्टिकल पे 100 क्लिक आ गए थे। तो वहीं से मुझे आइडिया लगा कि यार ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक वर्क करता है। अच्छा सर, तो वहीं से मैं जितनी भी ट्रेंडिंग टॉपिक आई वहीं से मैंने अपना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होती गई। तो दूसरे दिन मैंने देखा कि यार हमारी साइट पे तो 100 लोग आ गए रियल टाइम में चल रहे हैं। फिर तीसरे दिन देखा तो एक बार भी मतलब 100 लोगों से 300 लोग क्रॉस हो गए। फिर धीरे धीरे करते करते एक हफ्ते के अंदर आप यकीन नहीं मानोगे रियल टाइम में 4,000 लोग मेरे एक ब्लॉग पे थे, मतलब एक वेबसाइट पे थे 4,000 लोग। ओह माय गॉड। और हाँ, और एक एक मतलब
आप यकीन नहीं मानोगे, एक एक आर्टिकल पे 2000 लोग रहते थे एक आर्टिकल पे, मतलब 2000 बहुत बड़ी चीज है, रियल टाइम में बहुत बड़ी चीज है। तो ये होता है डिस्कवर की पावर। तो मैं ना थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिन लोगों को डिस्कवर के बारे में ज्यादा पता नहीं है। होता क्या है ना कि वेबसाइट बनाना, ब्लॉग बनाना, कंटेंट रिसर्च करना, कंटेंट लिखना, ये सब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इजी पार्ट है, लेकिन सबसे जो मेन चैलेंज आता है एक न्यू ब्लॉगर के लिए, या फिर कहे जो लोग पुराने भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, उनके लिए भी आज भी यह चैलेंज है कि साइट पे ट्रैफिक कैसे लेके आया जाए। और बात जब ट्रैफिक की होती है तो वहां पे बहुत सारे तरीके हैं कि आप गूगल में रैंक करा लो अपने ब्लॉग पोस्ट को, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, और उन्हीं सभी तरीकों में से गूगल डिस्कवर एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से भाई ने काफी अच्छा ट्रैफिक लिया है, बहुत अच्छा रेवेन्यू भी बनाया है। तो आप भी इस पूरे स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं, और जहां से मिलियंस में ट्रैफिक आता है, मतलब एक एक दिन का भी इतना ज्यादा ट्रैफिक आ सकता है जिसके बारे में आप क्या सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो इसका पूरा जो तरीका है कि कैसे ब्लॉग बनाना है, कैसे कॉन्टेंट लिखना है, कैसे डिस्कवर में आना है, पूरा जो आप समझ लीजिए रोड मैप है, उस वीडियो के हम लोग सेकेंड पार्ट में, इसी मतलब वीडियो में हम लोग दूसरे हिस्से में देखेंगे। लेकिन उससे पहले भाई साहब आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए पूछना चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा इस 3 महीने पे आ जाते हैं जो भी आपका रिसेंटली बीता है, और खासतौर से 2 महीने के बारे में जो अक्टूबर और नवंबर बीता है अभी इसी साल 2022 के लास्ट में, उसमें आपने कितना ट्रैफिक लिया है, कितना ट्रैफिक गूगल डिस्कवर के थ्रू गेन किया है अपने ब्लॉग पे? अच्छा, तो अगर मैं बताऊँ आपको तो 2 महीने में जो टोटल ट्रैफिक मैंने लिया है ना डिस्कवर से, सिर्फ वो लगभग 11 मिलियन से भी ज्यादा ट्रैफिक मैं सिर्फ डिस्कवर से ले चुका हूँ। 11 मिलियन मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग आपके साइट पे आ चुके हैं, मतलब हाँ, 1 करोड़ सिर्फ, मतलब क्लिक, हाँ क्लिक की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इम्प्रेशन की बात करूँ तो आप मतलब गिन भी नहीं सकते कहाँ बहुत ज्यादा इम्प्रेशन आया हुआ है। हाँ वो तो ऑब्वियसली कुछ बहुत हाँ। बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन हाँ क्लिक्स मतलब साइट पे जो ट्रैफिक आया है वो 11 मिलियन ट्रैफिक आया है। हाँ 11 मिलियन, आप यकीन नहीं मानोगे एक एक दिन में जो मेरा ट्रैफिक आता था ना वो 8-8 लाख 9-9 लाख एक दिन में ट्रैफिक आया हुआ है। मैक्सिमम कितना? एक एक दिन का मैक्सिमम कितना? एक एक दिन का मैंने मैक्सिमम मेरा गया था वही 8 लाख के करीब गया था एक दिन का ट्रैफिक, एक दिन का ना। और जो एवरेज रहता था वो लगभग 1.5 लाख 2 लाख से 5 लाख 4 लाख ऐसे, मतलब डेली ट्रैफिक हमारा आता था। ठीक है, लेकिन ट्रैफिक से फाइनली जो हम लोगों का मेन जो मोटिवेशन का फैक्टर रहता है वो पैसा रहता है। तो 11 मिलियन का ट्रैफिक आपके एक ब्लॉग पे 2 महीने में आया, तो इस 2 महीने के पीरियड में आपने पैसे कितने बनाए इस 11 मिलियन के ट्रैफिक से? अगर मैं बात करूँ इस 2 महीने का सिर्फ कि कितना मैंने सिर्फ डिस्कवर से बनाया हुआ है, तो 1 महीने में मेरा 6000 कुछ डॉलर बना हुआ था, और 1 महीने में मेरा 3275 ऐसा कुछ डॉलर मेरा बना हुआ है, तो 2 महीने में लगभग मैंने 9000 से भी ज़्यादा डॉलर बना लिया था। ये 2 महीने का पेमेंट है, और आप यकीन नहीं मानोगे एक एक दिन में मेरा 500 डॉलर बना हुआ एक एक दिन में। अरे भाई साहब मतलब कमाल है। तो जो लोग देख रहे हैं ना कि भाई साहब ने आपको बताया कि एक एक दिन में 500-500 डॉलर बने हैं, और 2 महीने के टाइम फ्रेम के भीतर 9000 डॉलर, मतलब अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहें तो आप समझ लीजिए कितना पैसा, लगभग 7 लाख रुपए के आसपास ये अमाउंट होगा अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो एक इतना बड़ा नंबर जो है वो बना है सिर्फ 2 महीने के भीतर। और इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या हो सकता है? तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि अभी आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस तरीके से ओपनली कोई बात भी नहीं करता, और मैंने सारा प्रूफ भी आपके सामने दिखा दिया है। तो अर्निंग प्रूफ देख के तो सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को हजारों लोग देखेंगे, उसमें से बहुत ही कम लोग जो होते हैं ना एक्शन लेते हैं। तो भाई आपसे भी ना एक रिक्वेस्ट करूंगा, और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी एक उनको एक मतलब खुशखबरी दे रहा हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख के अगर अपना काम स्टार्ट करते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट पे काम स्टार्ट करते हैं, उनको मैं और भाई मिलके एक जूम सेशन के थ्रू ना सब कुछ हम लोग बताएंगे एक आध दिन बैठ के, और इसके बारे में क्या होगा क्या नहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे भी चाहूंगा भाई साहब कि एक आध मीटिंग हम लोग रखेंगे जिसमें लोग भी आए और लोग हम लोगों से लाइव क्वेश्चन पूछे, लेकिन हाँ 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 जरूर 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 वही लोगों के लिए कि जो इसको स्टार्ट करे, क्योंकि ऐसे रैंडम तो लाखों व्यू चले जाएंगे लेकिन स्टार्ट कोई नहीं करता है। तो मैं प्रोसेस जो है ना आगे बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना भाई? तो देखिए होता क्या है ना, हम लोग इसका जो भी सिस्टम है ना, मतलब डिस्कवर में जाने का जो शुरू से, अगर एक बंदा उसको कुछ भी नहीं पता, मतलब जियो पता है और वो डायरेक्ट डिस्कवर में काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए मैं ना मैंने एक वीडियो बना दी है, शायद 1 घंटा के करीब वीडियो होगी। काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आए थे जब मैंने अपने यूट्यूब पे कुछ जो है वो दिखाया था ना अर्निंग प्रूफ वगैरह, अच्छा, हाँ। तो काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आए थे,
भाई इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए, एक सीरीज बना दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, एक दिन में जब भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, अभी वो वीडियो चल रही है, 1000 व्यूज सिर्फ एक दिन में आया हुआ है। अभी डिस्कवर के लिए कोई भी कोर्स अभी बना नहीं है यूट्यूब पे मेरे हिसाब से, जो शुरू से बिगिनर्स के लिए एक ही वीडियो में कवर करके सारी चीजें फ्री में आपको दे दिया हो। तो मैंने ना वो चीजें मैंने इस पे अपलोड कर दी। हाँ, तो भाई ने अपने चैनल पे डिस्कवर का पूरा आप समझिए कि ए टू जेड कैसे काम करना है एकदम बिगिनर के लिए, उसका एक कोर्स बनाया है, एक घंटे से भी ज्यादा लंबा है, फुर्सत निकाल के देखिएगा, मैं लिंक में नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन तब तक आप इस वीडियो में बने रहे, यहाँ भी हम लोग बहुत सारा स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई साहब किसी को डिस्कवर पे काम करना है तो सोच कैसी रखनी चाहिए, किस तरह का वेबसाइट उसे बनाना है, न्यूज वेबसाइट या फिर जनरल ब्लॉग भी डिस्कवर में आते हैं, तो क्या थीम लेके आदमी चले कि किस तरह का ब्लॉग उस पे स्टार्ट। देखिए अगर हम बात करें कि अगर डिस्कवर पे, देखिए डिस्कवर पे क्या होता है ना, हम कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। आप ये मान लो जितना अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं उसमें आप एक साल में पैसा बनाते हैं, सिर्फ एक साल में काम करके उस ब्लॉग से, उतना आप सिर्फ यहाँ पे एक दो महीने में बना सकते हैं। ये है डिस्कवर की पावर। तो अगर कोई बंदा अगर मान लो डिस्कवर चालू करना चाह रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल तो मैंने उस पर सारी चीज़ें आपको बता दिया है, बट यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लो अगर कोई बंदा डायरेक्ट अगर जा रहा है डिस्कवर पे, तो डायरेक्ट उसको नहीं जाना चाहिए कि मतलब डिस्कवर के लिए ही मतलब काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता है हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। जैसे कि मान लो एडसेंस अप्रूवल हो गया, ठीक है, ठीक है, और एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए होता है क्या है कि हमारे पास कम से कम 30 प्लस पोस्ट होने चाहिए, और वो भी यूनिक पोस्ट होने चाहिए आर्टिकल, है ना। अगर वो आर्टिकल यूनिक रहेंगे तो हमें एडसेंस का अप्रूवल जो है ईजिली मिल जाएगा। जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरा काम करने का तरीका है, जैसे मैंने मतलब काम किया है, जो मैंने नोटिस किया है वो ये कि अगर आपका कोई ब्लॉग है, ठीक है, आपकी न्यूज़ साइट है, या आप मतलब डोमेन मैटर नहीं करता, डोमेन आपका कोई भी हो सकता है, चलेगा, मेन होता है उसको कंटेंट चाहिए, है ना। डिस्कवर को कंटेंट चाहिए, और ऐसा कंटेंट चाहिए जो मतलब देखने में क्लिक करे लोग, है ना, क्लिकेबल होना चाहिए कि मतलब अच्छा लगे और उसको क्लिक करे लोग और अंदर जाएं। और उस चीज़ के बारे में देखिए होता क्या है ना, काफ़ी लोग आप डिस्कवर में जाइए, आप आर्टिकल देखिए, बहुत लोग काम कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको टाइटल में लिख के देते हैं ना वो होता नहीं है अंदर, है ना, ऐसा घुमा फिरा के मतलब टाइटल दे देते हैं, आदमी मजबूर हो जाएगा क्लिक करने पर। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं। तो उस टाइप पर कुछ हमें लिखना है मतलब अच्छा सा, और वैल्यू भी देनी है कंटेंट में, ताकि हमारा ब्लॉग लॉन्ग टर्म तक जाए, नहीं तो बंदा तो आ जाएगा लेकिन फिर वो चला जाएगा, तो फ़ायदा होगा नहीं। तो जैसे वो जो चीज़ देख करके आया है वो चीज़ उसको वहाँ पर मिलनी चाहिए, कुछ इस तरह से हमें बनाना चाहिए। तो आर्टिकल कहने का मतलब है कि जो हम लोग कंटेंट डाले अपने ब्लॉग पे वो क्लिक बेट हो लेकिन फेक न्यूज नहीं हो, सीधा सीधा मतलब यही है। हाँ, फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि मैं और ऐसा आप आर्टिकल देखिए, अगर देखिए हर इंसान का जो दिमाग होता है ना वो अलग अलग होता है, और हर इंसान अपने दिमाग से जो आर्टिकल लिखेगा ना अलग तरीके से लिखेगा। बिल्कुल। तो अगर आप अगर आइडिया अगर आप मैं आपको बता दूं आर्टिकल लेना कहाँ से है ना, आप किसी का भी मतलब बहुत सारी न्यूज़ हैं, क्योंकि देखिए अगर आप इंटरटेनमेंट पे काम कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि जो सेलिब्रिटीज़ भी, मान लो एक उदाहरण देता हूँ सेलिब्रिटीज़, तो सेलिब्रिटी के वहाँ आप जाके तो वहाँ न्यूज़ से पूछेंगे नहीं भाई आपने आपके साथ क्या हुआ, मतलब न्यूज़ के बारे में उससे तो लोग पूछते नहीं, आइडिया तो लेते हैं गूगल से ही, है ना। तो हमें क्या करना है ना, गूगल से ही आइडिया ले लेना है, अब गूगल से आइडिया लेना, उस आर्टिकल को जो है अपने तरीके से लिखना है, खुद के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। हाँ, खुद के लैंग्वेज में, क्योंकि यार देखिए मैं अगर बात करूँ ना अगर इंग्लिश और हिंदी कंटेंट की, तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक हिंदी में है ना, आप यकीन नहीं मानोगे इंग्लिश में उतना ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया से नहीं है। समझ रहे हो, तो अगर डिस्कवर में हमें जाना है ना, तो हिंदी के कंटेंट में अगर हम लिख रहे हैं तो मतलब क्लिक बहुत ज़्यादा आते हैं, चांसेस है एक एक आर्टिकल अगर आपका वायरल होता है ना, तो आप ये समझ लो होस्टिंग आपकी बंद हो सकती है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक देने लगता है डिस्कवर। तो अगर आप लोगों को एक और चीज मैं भाई से पूछ के बताऊं कि कॉपी पेस्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉपी पेस्ट किया डाल दिया, तो कॉपी पेस्ट चलेगा क्या डिस्कवर में? ना भाई, डिस्कवर में तो यही एक फंडा है कि कॉपी पेस्ट चलता ही नहीं, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं चलेगा, आप डिस्कवर पर नहीं जा सकते कभी भी। अगर आप चले भी गए, मतलब आप एक बार चले भी गए डिस्कवर में, तो अगर मान लो आपने यूनिक आर्टिकल लिखा और डिस्कवर के लिए फिर अच्छे से काम किया और फिर कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम चालू कर दिया, तो फिर हट जाओगे तुरंत, क्योंकि भाई गूगल क्या करता है, उसको
अच्छे कंटेंट चाहिए भाई। अब ये मान के चलो कि अगर मान लो आपने किसी जो आपने कंटेंट वहाँ पे डाल रहे हो अपनी साइट पे, वो तो आप किसी के दूसरी वेबसाइट से कॉपी ही किया है ना। हाँ हाँ। तो जब आपने उसको कॉपी किया है तो गूगल आपको क्यों चांस देगा भाई, जब वही कंटेंट आपको उस वेबसाइट से लोग देख चुके हैं तो आपको क्यों चांस देगा वहाँ पे जाने के लिए। आपको चांस तभी मिलेगा ना जब आप यूनिक आर्टिकल लिखेंगे। यूनिक आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को अगर आप लोगों को अगर लगता है ना कि मुझे एक वायरल टाइप का आर्टिकल कैसे लिखना है, कैसे टाइटल बनाना है, कैसे थंबनेल, कैसा कंटेंट होना चाहिए दूसरे से इंस्पिरेशन लेके, अगर आपको लगता है कि इस पे एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइए। और भाई साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बता रहे थे कि गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक आता है तो होस्टिंग भी डाउन हो जाता है इतना ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो इनिशियली ही कोई अच्छा होस्टिंग ले लेना चाहिए या फिर बेसिक वाले होस्टिंग से स्टार्ट करके फिर मतलब होस्टिंग को आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए अगर आप ना डिस्कवर पे काम करना है, आपको लग रहा है कि हाँ हम डिस्कवर पे काम कर सकते हैं, तो आपको अच्छी होस्टिंग लेनी पड़ेगी। ओके अगर आप होस्टिंग में ही दो प्लान आते हैं, एक आता है शायद एक डोमेन होस्ट कर सकते हो, उसमें शायद 100 डोमेन होस्ट कर सकते हो, है ना। तो आपको छोटा वाला नहीं लेना है अभी काम चलाने के लिए, आपको अच्छी होस्टिंग ले लेनी है ताकि आप जब भी ट्रैफिक आए तो जब देखिए जब ट्रैफिक आता है ना तो आप होस्टिंग वहाँ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप होस्टिंग चेंज करेंगे तो आपका ट्रैफिक डाउन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप नीचे गिर जाएंगे। कंटेंट का आपने क्वालिटी बता दिया कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आइडिया दूसरे से लेना है, लिखना अपने वर्ड्स में लिखना है। बहुत सारे लोगों का रहता है कि कितना पोस्ट लिखना है हर रोज, डेली कितना पोस्ट होना चाहिए, कि एक करे दो करे या फिर कितना पोस्ट करना चाहिए अपने वेबसाइट पे। देखिए ये बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए सबका क्वेश्चन रहता है कि भाई डिस्कवर के लिए कितना आर्टिकल लिखना चाहिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है तो वो एक दो पोस्ट डेली लिख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर इससे ज़्यादा अगर वो दे रहा है तो इसका मतलब वो कॉपी पेस्ट मार रहा है भाई। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, एक दो पोस्ट चालू करना है और एक दो पोस्ट हो सके तो धीरे धीरे आप बढ़ाते रहें। एक बार भी बढ़ाएंगे तो आप भी आपका भी जो मन है ना वो कहेगा कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं करूँगा मैं, मतलब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो आपको धीरे धीरे चीज़ें चालू करनी है और जैसे आप धीरे धीरे चालू करोगे आपका काम होता जाएगा। फिर आपको आर्टिकल भी बढ़ाना है और जब आपका एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए तो आप 10 से 15 अगर दे सकते हो तो दो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने ज़्यादा आर्टिकल दे सकते हो, क्योंकि डिस्कवर जो है ना ये कंटेंट का भूखा होता है। आप इसको जितना ज़्यादा कंटेंट यूनिक देंगे उतना ज़्यादा ये खाता रहेगा, आप देते रहिए ये खाता रहेगा, ये होता है। तो जैसे कि कंटेंट डालना स्टार्ट किया, नया ब्लॉग बनाया, एक दो कंटेंट डाला, मान के चलते हैं कि एक महीने में किसी ने हर रोज 10 कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया, तो कितना टाइम लगेगा डिस्कवर में जाने के लिए आर्टिकल्स? बीच में कुछ करना भी है कहीं फेसबुक पे या फिर कहीं शेयर भी करना है या फिर सिर्फ कंटेंट ही डालना है और कुछ नहीं करना है? क्या प्रोसेस, क्या स्ट्रेटजी होगा कि वो डिस्कवर में चला जाए आर्टिकल, क्योंकि ब्लॉग तो नया है? हाँ, यस 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 यस। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले तो जब थोड़ी बहुत ट्रैफिक लानी पड़ेगी तभी आपको एडसेंस का ऊपर भी मिलता है ना। हाँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा अपना इधर उधर यार फ्रेंड जो भी आपका, अगर फेसबुक ग्रुप वगैरह है, फेसबुक पेज है आपका, तो वहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप मतलब ये समझ लो ये एक दो क्लिक भी डेली का आ रहा है ना, तो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती रहेंगी और डायरेक्ट आपका जो है शुरू से ही डिस्कवर में नहीं जाएगा, उसके लिए आपका टाइम लगेगा। अगर आपका एक नया ब्लॉग है तो आपको हो सकता है कि 3 महीने भी लग सकते हैं उसके लिए डिस्कवर में जाने के लिए, क्योंकि डिस्कवर में तुरंत आप नहीं जा सकते, और जा सकते हो ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको काम करना होगा। जब तक आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम नहीं करेंगे तब तक आप डिस्कवर में नहीं जा सकते। आप कितना भी आर्टिकल लिख दो, आप अगर 1 साल भी काम कर रहे हो डिस्कवर नहीं खुल सकता भाई साहब। अच्छा, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं पकड़े हो, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ रहे हो तो 1 महीने में ही डिस्कवर खोल दूंगा, इतना जानता हूँ कि मैं। एक वेबसाइट अगर मुझे मिल जाए, अगर मैं उस पर खाली काम करूँ, 1 महीने के अंदर अंदर उस वेबसाइट को मैं डिस्कवर उसको खोल दूंगा। तो सारा खेल जो है वो मतलब ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालना है और यूनिक जो ट्रेंडिंग में हो। हाँ, यूनिक है मेन चीज है, हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ना है भाई। क्योंकि देखिए अभी होता क्या है ना, कोई भी अभी यूट्यूब की अगर हम बात करें तो कोई भी न्यूज आती है तो जो ट्रेंडिंग होती है भाई हम सर्च भी नहीं करते हमारे पास आ जाता है। तो अभी गूगल क्या कर रहा है ना, तो गूगल भी यूट्यूब की तरह ही काम कर रहा है, जो डिस्कवर है एक तरह से यूट्यूब की तरह ही चल रहा है। बिल्कुल, कि हम लोग सर्च भी नहीं करते हैं, हम लोग को अपने आप कंटेंट वहाँ मिल जाता है। जैसे आप कोई भी आपके पास वीडियो आ जाती है, आप सर्च भी नहीं करते हैं, आपके पास वीडियो आ जाती है, स्क्रॉल किया आ गया है ना, स्क्रॉल करते जाइए आपको मतलब डिफरेंट तरीके से आते रहेंगे, जिस कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट है उसी लिस्ट पे आपको आते रहते हैं, ये होता है।
और आगे कैसे देख रहे हैं आप, जैसे कि अभी तो आपने इधर 2022 जो है आपका एकदम चांदी ही चांदी रहा, आगे कैसे देख रहे हैं कि 23 में क्या डिस्कवर में पोटेंशियल है, लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि साल खत्म होता है तो एक वीडियो बनता है कि ब्लॉगिंग ही समाप्त हो रहा है, इसका खतरा है उसका खतरा है, क्या देख रहे हैं आपकी है पोटेंशियल अभी डिस्कवर में बाकी? मुझे तो लगता है कि अभी शुरू ही हुआ है। देखिए डिस्कवर क्या है ना, जैसे अभी वेब स्टोरी शुरू हुआ है तो वैसे ही आप डिस्कवर समझ, ये समझ लीजिए कि वेब स्टोरीज का और डिस्कवर का जो फंडा है ना सेम ही है, समझ रहे हो? तो जैसे वेब स्टोरी को हम लोग कंटेंट देते हैं, अभी वेब स्टोरी क्या है ना कि थोड़ा मतलब अभी गूगल इसको क्रॉल नहीं कर पा रहा है, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कॉपी पेस्ट भी मार रहे हैं तो चल रहा है ना, मगर इसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा भाई, ये काफ़ी दिन से चल रहा है, चीज़ें वर्क कर रही हैं अभी भी और ये आगे भी वर्क करेगा, मतलब समझ रहे हो? तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। पोटेंशियल है बहुत ज्यादा, मतलब अभी काम करने के लिए सही हाँ टाइम। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, देखिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जो नहीं कर रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है वो तो यही बोलेंगे ना भाई कि यार पता नहीं आगे हो या ना हो, तो वो चीजें हैं, आपको काम तो करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे चीजें काम नहीं करेंगी। तो एक्शन से याद आया ना भाई कि जो लोग एक्शन लेते हैं ना उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक डाला है, तो जो लोग एक्शन ले रहे हैं इस वीडियो को देख के अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कवर पे काम करने के लिए बहुत ही सीरियस है, और उनको अगर लगता है कि हाँ उसमें इस चीज में वो कुछ कर सकते हैं, तो नीचे जाइए फॉर्म भरिए और उस फॉर्म में आपसे आपकी डिटेल्स पूछी जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक मीटिंग प्लान करेंगे जो कि प्राइवेट मीटिंग होगा, और सारे लोग आपके डाउट्स का, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा आगे की प्लानिंग कैसे होगी इसके लेके, इसको लेके हम लोग एक जूम मीटिंग या फिर कोई एक वेबिनार कर लेंगे टू वे कम्युनिकेशन के साथ, तो वो कर लेंगे। बाकी आपसे भाई साहब ये पूछना चाहूंगा कि कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें, दो तीन टिप्स जो बिगिनर लोगों को देना चाहें कि जो वो गलती करने से बच सके इस स्ट्रेटजी में काम करने के लिए, तो वो आप टिप्स दे दीजिए अगर कुछ है तो। देखिए पहली टिप्स मैं यही देना चाहूँगा कि यार देखो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अगर आपने ये माइंड बना लिया कि भाई हमें ब्लॉगिंग से पैसे बनाने हैं अच्छे, तो आपको भी कोई रोक नहीं सकता, आप किसी का कहना नहीं मानना है, काफ़ी लोग आपको बताएंगे कि भाई ये सारी चीज़ें फेक भी होती हैं सही भी होती हैं, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कोई भी बंदा यूट्यूब पे आके फेक नहीं बताएगा, क्योंकि यार दुनिया देख रही है उसको, वो बिल्कुल गलत चीज़ें आपको शेयर कर ही नहीं सकता है ना, अगर वो गलत सी चीज़ें शेयर करेगा तो यार उसके भी यार फ्रेंड दोस्त सभी लोग देखते हैं ना, हाँ सभी तो लोग देखते हैं। आप समझ रहे हो ना आप मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो वो गलत आपको चीज़ें नहीं बताएगा, ये चीज़ें होती हैं, तो आप लोग स्टार्ट करिए अपना ब्लॉग, अच्छे से काम करिए, और अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में कि हाँ भाई शुरू से सेटअप कैसे करते हैं, होस्टिंग लेने का सारा कुछ मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई है उसमें सब कुछ कवर किया, वो आप लोग देख सकते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करिए, उस चीज़ का रिप्लाई देंगे, बाकी भाई ने बोल दिया है कि भी जो मीटिंग कर लेंगे जो भी क्वेश्चन है उसमें सॉल्व हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी एडजस्ट। चलिए, तो ये तो हम लोग पिछले 2 महीने से प्लान कर रहे थे कि कुछ रिकॉर्ड हो जाए ऐसा, तो आज फाइनली रिकॉर्ड हो गया है और आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि भाई के साथ आगे भी इसी तरीके का जेन्यून और बहुत सारा वीडियो चकाचौंध वाला भी आता है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि कुछ रॉ वीडियोज, कुछ क्वालिटी वीडियोज आप लोगों के साथ आते रहे, जिन्होंने काम किया है, जो रिजल्ट्स लेके आते हैं सीधे उनके थ्रू आपको कनेक्ट कनेक्ट कराए और वहां से आप देखें, तो भाई के साथ आगे भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है लाइक करके बताइए, साथ ही अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो नीचे कमेंट में पूछिए, चलेंद्र भाई भी अपने चैनल के थ्रू यहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और बाकी गूगल डिस्कवर के रिलेटेड जो भी और भी चीजें होंगी चलेंद्र भाई अपने भी चैनल पे बताते रहेंगे, तो जाकर उनका भी चैनल चेकआउट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।